था, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ए भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और ये वाला व्लॉग है ईद का। चांद रात है, अचानक से पता नहीं ऐलान हो गया कि कल ईद है। तकरीबन 11:30 बजे हुआ था, तो अचानक से ऐलान हो गया कि कल ईद है। तो मैं आपको अपने कपड़े भी दिखाऊंगा कि कल मैं क्या पहनूंगा। सारी सफाइयाँ तो हो चुकी थी पहले, लेकिन थोड़ी सी रह गई हैं, तो जो मैं अभी करूँगा। तो वो सफाइयाँ करने के बाद मैं आपको अपने सारे कपड़े वगैरह भी दिखाऊंगा जो मैं ईद में पहनूंगा। तो देखते रहिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना वॉलेट लेने, और इसलिए मैं यही था पहले से कि 30 रोज़े हैं, तो हमने वो मैंने वॉलेट नहीं लिया था कि अभी टाइम था। अचानक से उन्होंने बोल दिया कि ईद है, तो अफरा तफरी हो चुकी। कैलेंडर में भी यही था कि 14 तारीख को ईद उल फितर है, लेकिन अब 13 तारीख को है। हम लोग बस जल्दी से मैं जा रहा हूँ अपना वॉलेट लेने, इसलिए सुबह तो ईद है। तो हमने मेरे कपड़े वगैरह भी देख लिए, तो मैं तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, और मैंने अलार्म लगा लिया। आपसे मिलेंगे अब सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हे गाइस मैं उठ चुका हूँ अभी। अभी टाइम हो रहा है 6:45, और आज ईद की नमाज होगी 7:30 बजे। तो मैं जा रहा हूँ अभी नहाने। तो मैंने अभी नमाज पढ़कर आई हूँ, मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करने। तो भी मैंने जैसे आपने देख लिया है कि मैंने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया, और अभी तक दूसरी ईदी भी कलेक्ट हो चुकी है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता नहीं है, वो तो रात भर तो मैं सो नहीं सका एक्साइटमेंट से, लेकिन अचानक से जो रात को 11:30 बजे तकरीबन बताया कि कल ईद है, फिर जो अफरा तफरी मची थी। तो मैंने अभी शीर कुरमा वगैरह खा लिया, और अभी मैं बैठ रहा था एडिटिंग करने, और आसू अगर आपको दिख रहे होंगे इसलिए हैं कि वहाँ मम्मा लोग प्याज काट रहे हैं, तो मैं जल्दी से आ गया यहाँ, और मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे कोई और व्लॉग में, टिल देन रस्ते पे फोकस रखें, मंजिल खुद मिल जाएगी। पीता हुआ।